हेलो गुड इवनिंग्स फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एक नई वीडियो में। आज इस वीडियो में हम घूमने वाले हैं अपने गांव के राम मंदिर में, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर है और मेरे गांव से कुछ ही पलों पे वो मंदिर है। यहां से ये मेरे गांव का रोड गया है, यहां पे मंदिर स्थित है। अब मैं मंदिर के पास आ गया हूँ। ओ, ये मंदिर का एंट्री गेट है, यहाँ से मैं मंदिर में राम मंदिर में एंट्री करूँगा। चलो तो चलते हैं से राम मंदिर के लिए एंट्री कर रहे हैं। ये है एंट्री गेट, यहाँ से आगे मैं थोड़ा और पास की जगह दिखा देता हूँ। यहाँ पर इस प्रकार से ये मंदिर बना हुआ है, यहाँ पर मैंने अपनी बाइक को साइड कर दिया है और सामने मेरे राम मंदिर है। और यहाँ पर कुछ इस प्रकार से यहाँ पर इसमें पेड़ पौधे लगे हुए हैं। और अब हम चलते हैं राम मंदिर के अंदर। और यहाँ पर काफ़ी मतलब बहुत अच्छा मंदिर बना हुआ है और बहुत बड़ा मतलब टीला सा है यहाँ पर। और ये चौतरा है, यहाँ से मैं जाता हूँ, थोड़ा पूज लेता हूँ। और अब आ चुके हैं हम राम मंदिर में। यहाँ पर थोड़ा बाहर से कुछ दिखा देता हूँ। यहाँ से कुछ इसका मतलब इसकी जो छत है कुछ इतनी ऊंची है। और यहाँ पर सामने लिखा है राम दरबार, जो कि अपने गाँव का है। और अब हम मंदिर के अंदर चलते हैं, यहाँ पर मूर्तियाँ देखते हैं किस प्रकार की है। यहाँ पर एक घंटा है, यहाँ पर घंटा भी बजाना पड़ता है। यहाँ से हमने घंटा बजा लिया और यहाँ से हमने एंट्री कर ली मंदिर के अंदर। यहाँ पे हमारे राम भगवान बैठे हैं, जो कि आप देख सकते हैं। और अब मैं इसके अंदर जाऊँगा मंदिर के। अब हम भगवान के मंदिर में आ चुके हैं। ये हैं हमारे श्री राम जी एंड माता सीता माता और लक्ष्मण जी, और नीचे बैठे हैं हनुमान जी। जय हो परमात्मा। ये है मंदिर, हमारे गांव का राम मंदिर, काफी फेमस मंदिर है अपने यहाँ का। ये पूरा मंदिर है और ऊपर से कुछ इस प्रकार से यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है, अभी लाइट नहीं आ रही तो बंद पड़ा है। यहाँ से अब इसकी मंदिर की हम परिक्रमा करते हैं, देते हैं पूरे मंदिर की। यहाँ से कुछ इस प्रकार से ही मंदिर है, यहाँ से परिक्रमा मार्ग है पीछे का। और यहाँ से ऐसे देते जाओ, गली सी है, गली में निकलते जाओ, काफी अच्छा लग रहा है। यहाँ पे शाम का मौसम है, ठंडा ठंडा मौसम है। और पीछे कुछ इस प्रकार से यहाँ पर ये मतलब मशीनें खड़ी हुई हैं यहाँ पे साइड में। और यहाँ से मैं हूँ, यहाँ पे एक भी और भी मंदिर है इनके पीछे। यहाँ पे हनुमान जी का स्पेशल मंदिर है, पास से दिखा देता हूँ। ये है हनुमान जी हमारे, जहाँ राम जी होंगे वहाँ हनुमान जी जरूर आपको मिल जाएंगे देखने को। अब हम आगे चलते हैं, पूरी परिक्रमा देते हैं और यहाँ पे आ चुके हैं। अभी आपने यहाँ पे ये दिखा था, जो यहाँ पे पर्दे टंगे हुए हैं, ये हनुमान जी का मंदिर है। ये है माता माँ शेरावाली का मंदिर, और मैं आपको पास से दिखा देता हूँ, थोड़ा इससे इधर से दिखा देता हूँ। माँ शेरावाली माता बैठी हैं और मैं पास से दिखा देता हूँ। माँ दुर्गी मैया, ये भी इनका भी मंदिर राम मंदिर के अंदर ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं माँ दुर्गा मैया कितनी स्माइट हैं, कितना अच्छे से बैठी हुई हैं। जय माता दी। यहाँ पे कुंड भी है, यहाँ पे हवन वगैरह होते हैं, जो सामग्री छोड़ी जाती है यहाँ पे भी है। और ये मंदिर है पूरा ये, और बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पे राम मंदिर है और यहाँ पे माँ दुर्गी मैया है। इनके पीछे जो बैक साइड में वो हनुमान जी का मंदिर है, जो मैंने अभी आपको दिखाए थे हनुमान जी, वो यहाँ पर हैं इसके अंदर के बाज में। यहाँ पे भैरव बाबा बैठे हैं इस वाली मूर्ति पे। और यहाँ पे इस प्रकार से ये खुले माँ, यहाँ पे आप भजन कर सकते हो बैठ के। यहाँ पे पूरा संगमरमर से ये मतलब फर्श हो रहा है संगमरमर से, काफ़ी अच्छा है। यहाँ पे आप भजन पूजा कर सकते हो, कीर्तन कर सकते हो। और यहाँ पे पंखा भी लगा हुआ है और यहाँ पे घंटा भी लगा हुआ है बजाने के लिए भगवान का। जय हो परमात्मा। अब हम बाहर निकलते हैं मंदिर से। बाहर का नज़ारा कुछ इस प्रकार से दिखाई देता है, जो कि आपको दिख रहा होगा। ये है राम मंदिर, वाह क्या मस्त है व्यू है यार। यहाँ पे पेड़ पौधे भी लगे हुए हैं, काफ़ी हरियाली है मौसम में। और यहाँ पे मेरी बाइक उधर खड़ी है, मेरी खड़ी हो रहने दो, अभी तो कोई नहीं है मंदिर के, अभी मंदिर में कोई नहीं है, मैं अकेला हूँ यहाँ पे। शाम को लोग आते हैं दर्शन करने के लिए भगवान के। यहाँ पे साइड में एच है और इसकी पूरे बाउंड्री हो रही है मंदिर के पीछे। और अब हम यहाँ से चलते हैं, ठीक है। तो मेरे फ्रेंड्स, मैंने इस वीडियो में आपको पूरा राम मंदिर दिखा दिया, जो कि काफ़ी मस्त मंदिर है, काफ़ी अट्रैक्टिव मंदिर है। और यहाँ पे राम श्री राम हनुमान जी लक्ष्मण जी और हनुमान जी की मूर्ति स्थापित हैं, और काफ़ी अच्छा मंदिर है। यहाँ पे सभी भजन पूजा करने के लिए लोग शाम को आते हैं,
काफ़ी अच्छा है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो वो वीडियो को लाइक करने जा और जय श्री राम जरूर बोल के जाना, और कमेंट में भी लिखना है जय श्री राम। जब वीडियो को यहीं पे समाप्त करते हैं, वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं एक न्यू वीडियो में, थैंक यू।